कुछ अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है छठ व्रतियों के लिए, क्योंकि आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से सुबह से ही न्यूज नेशन पर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए आस्था का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व, और कितनी श्रद्धा भाव आपको इन चेहरों पर दिखाई दे रहा होगा, समर्पण दिखाई दे रहा है। रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ मौजूद हैं और पंकज लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास चलेंगे, पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, तस्वीरें जरा दिखाइए, इस वक्त क्या चल रहा है गंगा के घाट पर? देखिए ज्योति, इस वक्त अर्घ का वक्त हो चुका है और पटना के घाट पर भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी है। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। पौ फट चुका है, सवेरा हो चुका है और जिस पल का सभी को इंतजार था, उस पल की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार घाट पर पहुंच रहे हैं और भगवान की वंदना में लगे हुए हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो नहीं जा पा रही है, वो देखिए घाट किनारे बैठकर ही भगवान भास्कर की उपासना कर रही हैं। तो तस्वीरें बताती हैं कि लोगों की कैसी आस्था इस वक्त इस पर्व के साथ है। और हम अब कोशिश करेंगे घाट की थोड़ी बहुत तस्वीर दिखा सके, जहाँ तक हम पहुँच सके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक इशू होता है। और देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम घाट की, गंगा घाट की तस्वीर, जहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है, बावजूद इसके कि प्रशासन ने सभी को कहा था कि आप बिल्कुल सचेत होकर करें। और देखिए भगवान भास्कर जो है इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे अपने विजय सत्येंद्र को कि थोड़ा दिखाएं कि कैसे ये जो वक्त है ये भगवान भास्कर के उदय होने का वक्त है। और लगातार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आपको टीवी स्क्रीन पर भास्कर का आगमन हो चुका है। भगवान भास्कर का लगातार यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहा है प्रशासन की ओर से कि भगवान भास्कर का आगमन हो चुका है। और देखिए लोग कैसे पूजा में लगे हैं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त ज्योति दिख रहे होंगे, भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे तब से कि जैसे ही भगवान उदय होंगे हम अर्घ देंगे। और छठ के आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने का वक्त, पटना के घाट की तस्वीर, ये मनोरम दृश्य साल में एक बार जब आता है लोगों का हुजूम ऐसे ही पटना की गंगा घाटों पर टूट पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से भगवान भास्कर के दर्शन आप करा दीजिए, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं, वो सुबह सुबह भगवान सूर्य के दर्शन कर लें। क्योंकि ये जो दृश्य है ये बहुत महत्वपूर्ण ना हो जाते हैं रजनीश, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पर्व का समापन होगा। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कहूंगा अपने विजय सत्येंद्र को, सत्येंद्र एक बार फिर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। थोड़ी ओट में छुपे हुए हैं भगवान भास्कर, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे ज्योति, जहां तक हो सके हम लोगों को जरूर भगवान भास्कर के दर्शन कराएं। और ये दिखाने की कोशिश करिए, देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त भगवान भास्कर दिख रहे होंगे और ये वो वक्त जिसका इंतजार लोगों को रहता है, यानी लोग साल भर इंतजार करते हैं इस वक्त के आने का, जब भगवान भास्कर को लोग अर्घ देते हैं। और यही एक ऐसा पर्व है ज्योति, जिसमें आप अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और अगले दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये कोइंसिडेंस देखिए कि जहां हम विजुअल बना रहे हैं, लगातार वहां दौरे गुजर रहे हैं, तो यानी भगवान भास्कर को जो हम अर्घ देते हैं उसकी तस्वीर आप देखिए, और साथ में कैसे लोगों का जो घाट पर आना, और लोग अर्घ देकर जा भी रहे हैं। जैसे ही भगवान भास्कर दिखे, देखिए लोग गुजर रहे हैं स्क्रीन पर, लोग दौरा लेकर वापस भी जा रहे हैं। तो सुबह से जो लोग घाट पर पहुंचे हुए थे, जो तस्वीर हम दिखा रहे थे उन तस्वीरों के साथ, ज्योति इस पर घाट की तस्वीर भी आपको हम दिखा दें। बहुत लोग इस पर्व में लोग कोसी भरते हैं, कोसी एक परंपरा होती है। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, लोग घुमात कर रहे हैं और भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में आराधना होती है। तो देखिए ये पूजा का वक्त है, यानी बहुत लोगों के लिए इस पर्व का समापन भी हो रहा है। जो लोग अर्घ दे दिए हैं वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, जल का अर्घ दे रहे हैं और साथ में हुमात के साथ भगवान का की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त घाटों की, जहाँ दीप जल रहे हैं, अर्घ दिया जा रहा है, सूप सजे हुए हैं, ये बहुत ही मनोरम दृश्य पटना की घाटों से आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर, किस तरीके से गंगा घाट की ये जो तस्वीर है कि कैसे पूरी तैयारी इस वक्त गंगा घाट पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, और साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ इस पर्व का समापन होगा। फेंकुए का प्रसाद मिलेगा। पर आप बात करिए लोगों से कि भगवान सूर्य को देखने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद क्या भाव उनके मन में उमड़ रहे हैं, और भगवान सूर्य को जब उन्होंने पहली बार देखा अभी सुबह होते ही, तो क्या क्या उनको अंदर से लग रहा है? आप लोगों को इंतजार
साल भर रहता है, भगवान के दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से दर्शन, हाँ छठी में का अच्छा सा दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और दौरा लेकर वापस भी जा रहे, प्रसाद हो गया? हाँ प्रसाद हो गया। मैम हर साल घाट पर आती है आप लोग पूजा करती जी, है। जी। भगवान में आस्था है बहुत आप जी। तो देखिए तमाम लोग अब घाट से वापस भी जा रहे हैं और ये जो छठ का व्रत है आपको तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे भी कि लोगों का घाट से जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, चूंकि पटना में सूर्योदय हो चुका है, भगवान भास्कर पूरी तरह से दिख रहे हैं और लोग अर्घ देकर घर वापस जा रहे हैं। ज्योति जी जी बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, रजनीश सिन्हा हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पटना के गंगा घाट की तस्वीर और लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है और जिस तरह से तस्वीरें दिखाई बहुत ही अद्भुत दृश्य रजनीश आपने दिखाए। आपके पास हम फिर वापस लौटेंगे लेकिन आइए अब मुंबई चलते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और जहाँ काफ़ी संख्या में बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, जहाँ पर छठ पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। पंकज जरा तस्वीरें दिखाइए मुंबई में अभी क्या चल रहा है, चूँकि हमने वो तस्वीर देखी थी जब कृत्रिम तालाब बनाकर की महिलाएं उसमें सूप लेकर खड़ी हुई थी, भगवान सूर्य की आराधना कर रही थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय को, ये तस्वीरें मैं रोकना चाहूंगी पंकज आपको, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें रांची से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय दिखाई दे रहे हैं, चूंकि छठ पर्व मनाने के लिए घाट पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों की मौजूदगी भी आपको दिखाई दे रही है। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर और क्या गरीब, हर कोई आज भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है, छठी मैया की आराधना कर रहा है, क्योंकि ये आस्था का ये विश्वास का महापर्व है छठ, जो खुशी के साथ मनाया जा रहा है। रजनीश सिन्हा पटना से हमें कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, रजनीश दिखाइए, ये देखिए भगवान भास्कर के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तस्वीर, और ये वो तस्वीर है, ये वो दृश्य है, वो विहंगम दृश्य है जिसके लिए चार दिनों से छठ व्रती इंतजार कर रहे थे। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत 18 तारीख को हुई थी और आज 21 तारीख है, 21 नवंबर, और ये वो अद्भुत दर्शन है भगवान सूर्य के, भगवान भास्कर के, जिसका इंतजार हर उस शख्स को था जिसकी आस्था जिसका विश्वास छठ पर्व में है, छठ त्योहार में है। और वैसे भी हमारे देश में ये परंपरा रही है भगवान सूर्य को जल देने की, भगवान सूर्य की रोज आराधना करने की, और ये देखिए आज के ये सूर्य भगवान के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक लिहाज से हैं और बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं कि ये उगते सूर्य हैं, और ये ऐसा पर्व होता है छठ का पर्व जब डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है, उसके पीछे सोच ये है कि देखिए सूर्य भगवान हमें दिन भर रोशनी देते हैं, उनकी रोशनी से हमारे हजारों काम होते हैं, और उसके बाद हम अपनी कृतज्ञता भगवान सूर्य के प्रति, भगवान भास्कर के प्रति जाहिर करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये एक थैंक यू, एक किस्म से आप इसे कह सकते हैं एक थैंक यू है भगवान सूर्य के प्रति, एक कृतज्ञता है उनके प्रति। और अब ये उगते सूर्य के दर्शन आप इस वक्त न्यूज़ नेशन पर कर रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर आप अपने चैनल न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं, जिस तस्वीर का इंतज़ार लगातार किया जा रहा था, और ये वो दर्शन है सूर्य भगवान के जो बहुत स्पष्ट तरीके से अब दिखाई दिए जा चुके हैं पटना में। पटना में सूर्य भगवान के दर्शन, अद्भुत दर्शन आप देख रहे हैं, पटना से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गंगा घाट पर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि गंगा घाट पर किस तरह का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, और ये भास्कर भगवान के दर्शन इस वक्त आप न्यूज़ नेशन पर कर रहे हैं, क्योंकि आज इस तस्वीर की महत्ता बहुत ज़्यादा है, भगवान सूर्य के दर्शन करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि आज के दिन जो भक्ति भाव से भगवान सूर्य से कुछ मांगता है तो वो पूर्ण होकर रहता है जिंदगी में। आज जो भी मांग लीजिए वो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और ये अद्भुत दृश्य, ये अद्भुत दर्शन और ये साफ तस्वीर सूर्य भगवान की इस वक्त आप देख रहे हैं। और मुंबई भी चलते हैं, पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज बताइए भगवान सूर्य के दर्शन वहां हो गए?
देखिए पटना घाट पर तो वहां के जो व्रती हैं उन्हें भगवान सूर्य के दर्शन मिल गए हैं, लेकिन यहां पर अभी कुछ देर और इंतजार बाकी है। लेकिन जो व्रती हैं वो तैयार हो चुके हैं क्योंकि दिन का उजाला निकल चुका है, लेकिन भगवान सूर्य के दर्शन अभी तक इन्हें नहीं मिले हैं। तो आप देख सकते हैं दिन के उजाले में एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कैसे कृत्रिम तालाब में, इस तरह की तस्वीर शायद देश के दूसरे हिस्सों में लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि वहाँ पर तालाब के पास जाने का लोगों को मौका मिलता है, वहाँ पर नदियों के पास लोग जो है वो छठ पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई में कि कैसे कृत्रिम तालाब बनाकर लोग यहाँ पर जो है भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में खड़े हैं और इंतजार है भगवान सूर्य के उगने का, जिसके बाद इस पर्व का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बीते चार दिनों से जो व्रती हैं वो उपवास में हैं और यही इंतज़ार था कि कल जो है वो डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद इंतज़ार था कि उगते सूरज को आज जो है वो अर्घ दिया जाएगा। लेकिन परेशानी ये भी है ज्योति, आपको बता दें कि यहाँ पर आसपास जो है वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो कहीं ना कहीं देरी इस वजह से भी होगी कि भगवान सूर्य के दर्शन यहाँ पर लोगों को जो है वो बाकी शहरों के मुकाबले कुछ देरी से मिलेगी। तो लेकिन देखिए श्रद्धा भाव में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल उसी तरह से उसी अंदाज में बिल्कुल श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं है। सुशांत के पास चलते हैं पंकज, अब वाराणसी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी कुछ तस्वीरें देख ली जाए। सुशांत बताइए वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या भगवान भास्कर के दर्शन हुए छठ व्रतियों को? देखिए भगवान भास्कर के दर्शन हो चुके हैं और लगभग हर एक श्रद्धालु जो है वो अर्घ दे चुका है और अब घर जाने की तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि अब जो है वो जो दौरा होता है, दौरा लेकर लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि भगवान भास्कर का दर्शन हो चुका है और ठेकुए का प्रसाद बट रहा है। अब यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ पर प्रसाद का खास महत्व होता है और जो ठेकुआ होता है, जो छठ का प्रसाद होता है, उसे मांग कर लेने का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर छठ का जो प्रसाद है वो आप मांग कर खा लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को देते हैं, तो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। तो अब पुण्य प्राप्त करने का बताया कि मांग कर प्रसाद लेने का महत्व होता है। मैं भी आपसे मांग करती हूं कि ठेकुए का प्रसाद नोएडा जरूर भेजेगा। बिल्कुल मैं अपने लिए भी लूंगा और आप सबके लिए भेजूंगा क्योंकि ठेकुए का प्रसाद जो होता है भगवान भास्कर का आशीर्वाद होता है और सभी की ये मान्यता है कि ठेकुए का प्रसाद मांगने के लिए जब देखिए भीड़ जो है यहाँ पर, जो सगे संबंधी वो तो है ही है, साथ में जो पड़ोसी है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए भगवान भास्कर का, वाजिद हमारे साथ मौजूद है। वाजिद, हालांकि दिल्ली में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है लेकिन फिर भी लोग अपने घरों के छत पर भगवान सूर्य के दर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से दिन भी जो है लगातार निकलता जा रहा है, बस इंतज़ार है सूर्य देवता का। जब सूर्य देवता दर्शन देंगे तो ये लोग जो है अपना व्रत जो है वो तोड़ेंगे और यहाँ पर एक टब जो इन्होंने बना रखा है इसके अंदर खड़े होकर जो है सूर्य देवता को अर्घ देंगे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये लोग जो है जिस तरह से बैठे हुए हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। वाजिद बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। हालांकि दिल्ली में जो है इजाज़त नहीं थी घाटों पर जाने की, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग अपने घरों में जैसे भी वो कर सकते हैं कृत्रिम तालाब कर और कृत्रिम तप के अंदर वो अपने तरीके से भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं, उनको अर्घ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका मुंबई से, रजनीश सिन्हा पटना से जुड़ने के लिए आपका, वाजिद अली दिल्ली से आपका, और साथ ही वाराणसी से सुशांत आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए।